हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेनिला आइसक्रीम। तो ये बेसिक आइसक्रीम है, तो इसी आइसक्रीम से आप अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैंने फ्रेश क्रीम लिया है और 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। तो इसी नाप से मैंने फ्रेश क्रीम लिया है 2 कप, और ये पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए क्रीम और कंडेंस मिल्क भी। और वेनिला एसेंस लिया है, और इस तरह से आपको पैकेट फ्रेश क्रीम का मिल जाएगा। लो फैट क्रीम होती है ये, तो हैंड ब्लेंडर लिया है इस तरह से मैंने, और एक मैंने आइसक्रीम रखने के लिए डिब्बा लिया है। तो हम क्रीम को बीट कर लेते हैं, और जिस बाउल में आप आइसक्रीम बना रहे हो वो बाउल भी आपको पूरी तरह से ठंडा करके लेना है। तो आधा घंटे पहले आप इस बाउल को फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए। तो मैंने एक और बाउल रखा है इस बाउल के नीचे, उसमें मैंने आइस क्यूब रखे हैं ताकि क्रीम हमारी ठंडी रहे। तो ठंडी रहने से क्रीम आपकी अच्छे से बीट हो जाएगी और ये अच्छे से फूल जाएगी। तो 5 मिनट हम इसे बीट कर लेते हैं लो स्पीड पे। तो 5 मिनट मैंने इसे बीट कर लिया है। तो अभी हम इसमें वेनिला एसेंस 1 चम्मच डाल देते हैं, 1 टीस्पून। और 2 चुटकी नमक। तो इसे हम फिर से 1 से 2 मिनट इसे बीट करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। और इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्रीम या कंडेंस मिल्क या बाउल पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। और क्रीम ठंडी रहने के लिए आपको नीचे एक आइस क्यूब का बाउल भी लेना है। तो ये फटाफट से बीट हो जाएगी। तो हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए इसे बीट करेंगे। अभी हमें इसे हाई स्पीड पे इसे 5 मिनट के लिए इसे बीट करना है। तो आप देखेंगे ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे मैंने 5 मिनट और हाई स्पीड पे इसे मैंने बीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, और बिल्कुल आपको ठंडी क्रीम ही लेनी है वरना ये गाढ़ी नहीं होगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो आइसक्रीम हमारी रेडी है। तो इसे मैं एक आइसक्रीम के डिब्बे में, मेरे पास पहले से एक आइसक्रीम का डिब्बा था, तो मैं इसे मैं निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी इसे हमें हाई टेम्परेचर पे, आप जो भी फ्रीज़र में रखोगे तो आपको पूरा टेम्परेचर उसका बढ़ा के आपको इसको जमने के लिए रखना है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर ये जमेंगी नहीं आइसक्रीम, क्योंकि हम घर में जो फ्रिज होता है उसमें हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो ये जल्दी से जमती नहीं है। तो इसे 9 से 10 घंटे के लिए आपको इसे रखना होगा हाई टेम्परेचर पे फ्रीज़र में।
तो इसे मैंने निकाल लिया है। तो मैंने रात में इसे बना लिया है, तो मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ। तो इसे ढक्कन लगा के हम फ्रीज़र में रख देते हैं और टेम्परेचर बढ़ा के रखना है, तो हम सुबह इसे देखेंगे। और मैंने डार्क चॉकलेट लिया है एक बाउल में, और एक चम्मच कोकोनट ऑयल, तो इसे हमें मेल्ट करके लेना है। तो सुबह हो चुकी है, तो आइसक्रीम मैंने निकाल ली है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से गाढ़ी हो चुकी है और चॉकलेट को भी मैंने मेल्ट कर लिया है, तो भी इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से जम चुकी है, तो इसे मैंने पूरी रात इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो टेम्परेचर पूरी तरह से मैंने बढ़ा कर रखा था, तो ये अच्छे से जम चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है और खाने में टेस्टी भी है। तो फ्रेश आइसक्रीम आप घर पे इसे आसान तरीके से इसे बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट इसके ऊपर डाल रही हूँ और रेड कलर की जो बेरी होती है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो इसके ऊपर आप काजू बादाम या पिस्ता भी डाल के इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी वेनिला आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए। और इसे बनाने के लिए क्रीम और जो भी आप लेंगे वो पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। तो आपको इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी जमी है आइसक्रीम हमारी और अच्छे से बनी है। तो इस आइसक्रीम को आप ज़रूर बना कर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।